अरे फोटो काय मारू हे बघ हेलो माइक चेक थोड़ा सा स्पेस दे दो, निकल जाओ नहीं सेंटर देखिएगा। हाँ इनको देखो, ये कैमरे में ओके ठीक है। बेसिकली एक्साइटेड नहीं, मैं नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब अपनी फिल्म मुंबई के PVR आइकन में लग रही है, तो अपने आप में ये थोड़ा सा अपने आप को नर्वस कर देता है। बिल्कुल 100%। एक्चुअली में फिल्म को लेके कॉम्प्लीमेंट क्या, फिल्म अपने आप में कंटेंट वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर किसी के दिल को टच कर जाती है। तो वो जब से स्क्रिप्ट बनी है, जब से शुरू हुई है, तब से वो कॉम्प्लीमेंट्स चल रहे हैं। अब मेकिंग के बाद में वो ना थोड़ा सा और जो क्या निकल के भी थोड़ी सी अच्छी आई, तो आदमी को थोड़ा लीक से हट के कुछ नया दिखा रही है फिल्म, तो वो चीज़ बड़ा एक, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए, तो अब एक वो है कि हाँ भाई चीज़ तो अच्छी बन गई है। हाँ हाँ हाँ
एक्चुअल में ना बेसिकली मैं कॉमर्शियल फिल्म की तरफ ज़्यादा एक सेकंड ना मैं एक्चुअल में कॉमर्शियल फिल्म की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है मेरा। मैं बेसिकली कंटेंट बेस्ड करना चाहता हूँ, और ये जो विमेन ओरिएंटेड जो भी कंटेंट होता है बेसिकली क्या है कि जो लड़की है या बेटी है, बेटी शब्द पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा क्लोज लगता है कि बेटी एक ऐसा वर्ड है कि दुनिया में मतलब अगर उसको हम सपोर्ट कर दें तो वो इतना मतलब पूरे समाज को स्ट्रॉन्ग बना देगी। बट होता क्या है ना कि वो बेटी के जो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको गलत राह पकड़ा देते हैं या उसको भटका देते हैं, वो जैसे उसके भटकाओ जीवन में आता तो समाज पे भी उसका गलत असर पड़ता है, और मतलब लड़की तो बर्बाद होती है 100%। और तो वही एक चीज़ मैंने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की कि आखिर क्या ऐसा है कि हम उस छोटी सी बच्ची को बचा सकते हैं उस गर्त में जाने से, उस गलत रास्ते पे जाने से, और वही मैंने इस फिल्म में किया है। पर्सनल लाइफ बेसिकली मैं बचपन से ही, मतलब आज से नहीं बचपन से ही, मैं जो भी लड़के लड़कियां पार्क में जाते या कुछ भी घर वालों से छुप के करते वो हमेशा से उसके खिलाफ रहा हूँ। प्यार ठीक है, अगर मैं प्यार करता हूँ तो मैं घर पे जाके उसको बोलूँ, उसके माँ बाप के सामने बोलने की औकात रखूँगा कि हाँ भाई मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गलत चीज़ है, ये बचपन से मेरे अंदर थी और वही मैंने देखी। और हुआ क्या है कि जो भी मेरे दोस्त थे, जो भी ऐसा काम करते थे, मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश, काफ़ी लड़कियों को मैंने बचपन में समय में, हम टेंथ में थे जब नए नए लोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं, मैं तभी से लड़कियों को समझाने लगा था बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या बनना है, यहाँ ये लड़कों के साथ इसके साथ घूम के क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के पैर पर कुल्हाड़ी मारता था बेसिकली। तो हुआ क्या कि जब मैं फिल्म लाइन में आया, जब ये कंटेंट आया और मेरी ऑलरेडी जब बेटी हुई, तो मैं बोला यार इसके साथ कैसे मतलब बिहेव करेंगे अपन। फिर वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट हुई और उसमें हुआ ये कि एक कंटेंट निकल गया है कि नहीं यार इनको बचाएंगे कैसे। तो वही है कि एक जो बाप होता है, बाप और बेटी का जो रिलेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो ज़रा सा भी क्लियर हो तो कोई भी दुनिया का गलत से गलत बंदा बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नहीं मैसेज तो नहीं, नॉट यूथ के लिए, माँ बाप के लिए बहुत, मतलब कम से कम बाप के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये। और मैसेज ऐसा है कि मतलब जो हम जिन लोगों को अभी, क्योंकि इससे पहले भी हम उसके 2-3 ट्रायल रखे थे मैंने, तो उसमें आम लोगों के बीच में लेके गया मैं फिल्म, तो अगर आप देखेंगे कि रिव्यूज़ इतने प्यारे आए कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए, और लोगों ने मतलब ऐसे से कमेंट आए कि आज मैं फिल्म देख के निकल रहा हूँ, नए पिता की तरह निकल रहा हूँ, हमारी सोच बदल दी। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आम लोगों की सोच को बिल्कुल चेंज कर देती है और बेटी और बाप के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर देती है। नहीं, वेस्टर्न का मतलब खामियाजा भुगतना पड़ता, वेस्टर्न गलत है, मैं इस चीज़ पे जाता ही नहीं हूँ। मैं ये मतलब मेरी फिल्म में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बाप और बेटी का रिलेशन है, अगर मैं अपनी बेटी को दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ कि हाँ बेटा तेरे साथ कुछ मुझे बताना, बेटा ये बेटा वो, अच्छा कोई बॉयफ्रेंड आया तेरा मुझे बता, तेरे को कोई बोले, बेटी से जब मैं सोचा, चाहे वेस्टर्न कल्चर हो चाहे कहीं का कल्चर हो, वो बेटी ने जिस दिन मुझे बताने की हिम्मत कर ली कि पापा वो लड़के ने मुझे छेड़ा या वो मुझे परेशान कर रहा है या मुझे उससे प्यार हो गया, तो अपने आप ये ट्रांसपेरेंसी उस बेटी को कहीं गलत रास्ते पे जाने नहीं देगी। एक्चुअल में छोटे स्क्रीन पे मतलब इतना पुराना काम किया है और छोटे स्क्रीन से बड़े, मतलब स्ट्रगल तो होता ही, और नो डाउट मुझे भी इस फिल्म को बनाने में 2 साल लग गए। ऐसे नहीं कि मैं शूट करने में, मैं इसको 30 दिन में शूट कर लिया, 30-35 दिन में शूट हो गई थी फिल्म, बट उसके बाद की जो चीज़ें, जो हर चीज़ आपको, जैसे टीवी मैंने काम किया तो टीवी में इतना कि हाँ भाई मुझे मालूम है कि भाई ऐसे कैसे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, कैसे 1 घंटे में सारे सीन उड़ा देने हैं, बट जब फिल्म आती है, क्योंकि अपना बच्चा है, हमें लोगों को लेके जाना है, हमको दिखाना है कि भाई ये मेरा काम है, आप देखो अच्छा है कि नहीं है। अब उसमें होता है कि भाई हो सकता है कि नहीं अच्छा लगे आदमी को, तो पूरी तरह से घुसना पड़ता है, और वही घुस के एक चीज़ को निकालने में 2 साल लग गए मुझे। कैरेक्टर बेसिकली चुनना है ही नहीं है, ये सारे कैरेक्टर हमारे समाज के हैं। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसे नहीं किसी कैरेक्टर मैंने स्पेशली कहीं से उठाया, 4 सड़क पे लड़के मतलब पान खा के थूकते, लड़कियों को छेड़ते, वही हमारी फिल्म में है।
एक प्यारी सी लड़की, बच्ची छोटी सी जिसको दुनिया की समझ नहीं, लड़के उसको छेड़ रहे हैं, बरगला रहे हैं, ये सब हमारे आसपास, हम सबको मालूम है कि हमारे सबके आसपास ऐसी लड़कियां हैं, उनके माँ बाप जो ध्यान नहीं दे रहे या एक डिस्टेंस बना के रखे, वो हम सबके साथ में है। तो कोई भी कैरेक्टर कुछ स्पेशल नहीं है, सब हमारे बीच के कैरेक्टर हैं। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ इस फिल्म को लेके, क्योंकि बेसिकली पहली बार इतना बड़ा रोल करने को मेरे को मिला, डैडी का रोल मेरा ये है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप फिल्म देखिए आपको अच्छा लगेगा। मैं तो अपने आप को खुद ही इसी कैरेक्टर में ढाल दिया है। मैं, मेरी भी बेटी है, मैं भी इस फिल्म को करने बाद मैं घर जाता हूँ, बेटी पूछता बेटा तुझे कोई परेशानी तो नहीं, अगर हो तो मुझे बताना। देखिए एज क्या, यही जैसे बेटियों की एज होती है 13 से 16 होती है, इसी एज में बेटियां बिगड़ने लगती हैं। तो इसी एज में अगर बाप अपनी बेटी को संभाल ले तो फिर बेटी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। जी हाँ, पेरेंट्स देखें, जरूर देखें, उनको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। बेसिकली इस फिल्म को देखने के बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। थैंक यू। मैं कहूँगा 1 मैन आर्मी है पूरा फिल्म का, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, इतना बढ़िया कंटेंट है, बस और कुछ मैं कह ही नहीं सकता हूँ। बस Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।